लोकतंत्र के साथ जो मजाक हो रहा है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जिसको राज्य में रहना चाहिए, राज्य के सरकार को राज्य में रहना चाहिए, राज्य के मुख्यमंत्री विधायकों को लेकर के छत्तीसगढ़ जाना, ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री पर और मुख्यमंत्री का विधायकों पर विश्वास खत्म हो गया है। अविश्वास का माहौल पूरे राज्य में बना हुआ है, राज्य सरकार में। ये राज्य सरकार को राज्य के सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खरीद बिक्री करने जा रही है, करने वाली है, कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी उतना ही दोषी है जितना राज्य के मुख्यमंत्री दोषी हैं। दोनों मिलकर के, दोनों पार्टियां मिलकर के, एक जेएमएम और हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी, ये सभी लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी राज्य में सुर्खियों में यह छप रहा है कि राज्य की बच्चियां, राज्य की महिलाएं सुरक्षित नहीं है और सरकार राज्य से बाहर खड़ी है, राज्य के बाहर जा रही है। आज सुनने को मिला है कि राज्य के मुख्यमंत्री के अलावे बाकी मंत्री भी छत्तीसगढ़ से यहां झारखंड आए हैं। मैं कहता हूं कि उनको यहां आने की भी जरूरत नहीं थी, वे छत्तीसगढ़ में रह करके जो है मंत्रिमंडल का बैठक कर सकते थे, ये यहां आने का कोई मतलब नहीं है। जब राज्य के तमाम विधायक, सत्ताधारी विधायक छत्तीसगढ़ में हैं, वहां भोग कर रहे हैं, तो उनको यहां राज्य चलाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि राज्य में अविश्वास का माहौल है, इसीलिए राज्य में विधानसभा को भंग करना चाहिए, महामहिम राज्यपाल को सिफारिश करना चाहिए और नया जनादेश के साथ, नया विश्वास के साथ विकास का कार्य झारखंड में आगे बढ़े, उसके लिए माहौल बनेगा। बस यही कहने के लिए हम आप लोगों को बुलाए थे। धन्यवाद।